गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और भारतीय पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास मैथ। टुडे टॉपिक इज टाइम। टाइम समय क्या होता है, समय के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समय हमें कैसे पता चलता है। एक तो दिन में कितने भागों में बांट दिया गया है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। दूसरा क्या होता है, जो क्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम देखते हैं। अभी हम आफ्टर इवनिंग के टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 500 ऑफ द डे, मतलब डे को कितने भागों में बांटा गया है। ए डे इज डिवाइड इनटू मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। चार भागों में बांट दिया गया है, मॉर्निंग सुबह का, आफ्टरनून दोपहर का, इवनिंग शाम का और नाइट रात का। तो चार भागों में बांट दिया गया। मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, सोके उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल आते हैं। आफ्टरनून में हम लोग लंच करते हैं, स्कूल से घर जाते हैं। इवनिंग में हम लोग होमवर्क करते हैं और प्ले खेलने के लिए जाते हैं। और नाइट में हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा शेड्यूल, जो टाइमिंग जो है हमारा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का। अब उसी के अकॉर्डिंग तीन चार क्वेश्चन है, तो आप देखो और बताओ। आप बताओ, प्लेइंग इन द पार्क टाइम, हम लोग पार्क में कब जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, सुबह जाते हैं। सुबह तो प्लेइंग तो नहीं होता है, मॉर्निंग में जाते हैं घूमने के लिए, पर प्लेइंग करने के लिए तो नहीं जाते ना हम लोग। तो हम लोग कब जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं। कब जाते हैं, इवनिंग में। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, शाम। इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम। शाम को जाते हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट देखो, स्लीपिंग टाइम, सोने के लिए हम लोग कब जाते हैं, सोने का टाइम कौन सा होता है। सोने का टाइम हमारा नाइट होता है। रात को हम लोग खाना खा के क्या करते हैं, सो जाते हैं। क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो सोने का टाइम हमारा क्या हो गया, नाइट। ओके, गोइंग टू स्कूल टाइम, स्कूल हम कब जाते हैं, मॉर्निंग में ना, कि सुबह ही हम लोग उठ के ब्रेकफास्ट करके कहाँ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं। स्कूल हम लोग कब आते हैं, मॉर्निंग में। कब आते हैं, मॉर्निंग में। मॉर्निंग का स्पेलिंग भी याद कर लेना, MORNING, मॉर्निंग। इवनिंग का भी स्पेलिंग याद करो, EVENING, इवनिंग। ओके, नाइट बहुत ईजी है, NIGHT, नाइट। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर ईटिंग लंच टाइम, मतलब लंच का टाइम कौन सा होता है हमारा, दोपहर में होता है। कि हम लोग लंच जो करते हैं स्कूल में जब रहते थे तब, तो दोपहर में हम लोग खाते हैं ना, तो क्या करेंगे, आफ्टरनून। क्या करेंगे, आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, दोपहर, दिन में। ओके, ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट कब करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में, नाइट में, कब करते हैं, तो मॉर्निंग में करते हैं। सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग दूध पी लेते हो, ब्रेड खा लेते हो, तो वो क्या है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो हम लोग कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। तो मॉर्निंग के लिए हमने अभी लर्न किया था, क्या था, MORNING, मॉर्निंग। समझ में आ गया, टाइम को हम लोग दो में देखते हैं, एक तो जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट में डिवाइड होता है, एक क्या होता है, हमारा क्लॉक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमने देखा कि प्लेइंग टाइम क्या होता है, हमारा इवनिंग होता है। स्लीपिंग टाइम हमारा क्या होता है, नाइट होता है। गोइंग टू स्कूल टाइम, मतलब स्कूल का टाइमिंग क्या होता है हमारा, मॉर्निंग में, जब हम मॉर्निंग में आते हैं तब का ये टाइमिंग है। जब हमारा, जब बोला जाएगा कि हम लोग घर कब जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, आफ्टरनून। यहाँ पे क्या है, लंच टाइम। लंच हम कहाँ करते हैं, दोपहर में करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं। और ब्रेकफास्ट हमारा क्या होता है, मॉर्निंग में होता है। क्या होता है, मॉर्निंग में। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइम क्लॉक में। मैंने पहले बता दिया, अब दूसरा क्या हमारा टाइम जो है क्लॉक में देखेंगे। ये हमारा घड़ी है, सबके घरों में घड़ी होगा जो, ओके, सबके घर में घड़ी होगा ही होगा। अब घड़ी देखना कि 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग होती है इसमें, 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग होती है।
क्या होता है लॉन्ग हैंड, ये क्या होता है शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं मिनट्स, क्या बोलते हैं मिनट्स, एंड शॉर्ट हैंड को आवर। शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं आवर। जब भी लॉन्ग हैंड 12 में रहेगा और शॉर्ट हैंड कहीं पर भी रहेगा, 9 हो 8 हो 7 हो 6 हो कहीं पर भी रहेगा, उसका मतलब क्या हो गया कि वो उतने बजे टाइम है। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड क्या हो गया हमारा 9 पे है और लॉन्ग हैंड का हमारा 12 पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 o'clock हो रहा है। टाइमिंग क्या है हमारा 9 o'clock। ध्यान देना हमेशा 12 लॉन्ग हैंड जो है हमारा 12 पे होगा तभी वो ओ क्लॉक होगा, उतने बजेंगे। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर दिस इज ए क्लॉक, ये क्लॉक है, ये हम क्या दिखाता है टाइम दिखाता है, टाइम बताता है हमें। यहाँ पे टू हैंड होती है, मैंने बताया अभी लॉन्ग हैंड है शॉर्ट हैंड, ओके। अब यहाँ पे मैंने अभी बता दिया कि 12 जो है लॉन्ग हैंड पे रहेगा तभी ओ क्लॉक होगा, ये हमेशा याद रखना। मैं एग्जाम्पल में भी यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस भी करना और घड़ी देखना, सबसे अच्छी बात क्या है घड़ी देखना। यहाँ पे देखो लॉन्ग हैंड कौन है हमारा 12 पे है और शॉर्ट हैंड किधर है हमारा 3 पे है, इस पे 3 पे है। तो यहाँ पर कितना बज गया, क्या टाइमिंग है हमारा 3 o'clock, क्या हो गया हमारा 3 o'clock। यहाँ पे ध्यान दो, जब आवर वाला हैंड जिस पे होगा किसी पे कोई भी नंबर पे 3 हो 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो किसी पर भी होगा, पर हमेशा लॉन्ग हैंड 12 पे ही रहेगा तभी वो ओ क्लॉक होगा। तभी क्या होगा ओ क्लॉक मतलब उतने बज गए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock कोई भी टाइमिंग, रात के क्या 7 o'clock हो गया, तो कब होगा जब हमारा लॉन्ग हैंड 12 पे रहेगा। लॉन्ग हैंड का रहेगा 12 पे रहेगा और शॉर्ट हैंड का रहेगा 7 पे रहेगा। अब यहाँ पर भी देखो शॉर्ट हैंड किस पे है 10 पे, किस पे है 10 पे, और लॉन्ग हैंड किस पे है 12 पे है ना 12 पे। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या हो गया 10 o'clock, क्या हो गया 10 o'clock। इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, टाइम देखो घड़ी देखो हमेशा और बताओ पूछो। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि इस दोनों के बीच में जो टाइमिंग होती है वो 5 मिनट की होती है, कितनी होती है 5 मिनट की होती है, कितनी हो गई 5 मिनट की। जैसे कि 12 और 1 के बीच में 5, 1 और 2 के बीच में 5, हर डिस्टेंस पे क्या हो 5 मिनट का है, हर डिस्टेंस पे 5 मिनट का है। अब देखोगे आप कि हर मिनट को 5 प्लस करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे 12 5 16, मतलब 16 मिनट, क्या होगा 16 मिनट में क्या बन टाइम हो गया 1 hour हो जाता है, 1 घंटा, क्या होगा 1 hour, समझ गए 60 मिनट। अब 60 मिनट कैसे आया मैंने अभी बताया, हर डिस्टेंस पे ये 5 मिनट होता है, हर डिस्टेंस पे ये क्या होता है 5 मिनट होता है। अब ये 12 है तो 12 डिस्टेंस हो गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 60, तो यहाँ पर हो गया बराबर, ओके। आप इसका प्रैक्टिस करना, टाइम बताओ सभी को, टाइम बताओ, टाइम देखना सीखो, ओके।